अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कामरान खान है और मैं प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में एज ए लेक्चरर अपना सर्विस सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम सबसे पहले नंबर का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि एंट्री टेस्ट के लिए है, शहीद जुल्फिकार अली गुट्टू मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। प्राइम इंस्टीट्यूट की तरफ से पहले नंबर पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट लेते हैं वहाँ से जहाँ पे आप लोगों ने छोड़ा है, और आप लोगों ने छोड़ा कहाँ पर है हमें, साइंस से। तो साइंस, बट इस साइंस, तो साइंस हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है साइंटिसिया से, जिसका मतलब है चुनो, जानना, ठीक है, जिसका मतलब है जानना। साइंस को हमने डिफरेंट टाइप कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके हैं सबसे पहले नंबर पर फिजिक्स, इसके बाद है केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पर है बायोलॉजी। सबसे पहले नंबर पर है फिजिक्स। तो फिजिक्स का बुनियाद जिस बंदे ने रखा है वो हकीकत में है गैलीलियो। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फादर्स हैं लोग कंसिडर। तो फिजिक्स हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर, एनर्जी और उसके आपस के ताल्लुकात के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास बायोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा कंसर्न जिस ब्रांच के साथ है वो है केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके ब्रांचेस क्या है और इसके फंडामेंटल क्या क्या चीज़ें हैं। तो पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में, हम लोग छोड़ जाते हैं यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी को। तो केमिस्ट्री में हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग याद रखें माइंड में, फोर चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, फोर सीज है केमिस्ट्री के। सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, किस चीज़ के बारे में, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा, केमिकल कंपाउंड्स क्या है, हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो भी मैटर से बने हुए चीज़ें हैं उसको हम लोग सिंपली नाम देते हैं केमिकल कंपाउंड। हम एज्यूम कर रहे थे, एग्जांपल लेते हैं कि वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सी, उसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशन के। वाटर का कंपोजिशन क्या है, वाटर किन दो चीजों से मिला है, या वाटर किन किन चीजों से मिला है। तो वाटर हमारे पास किन दो चीजों से मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन दो चीजों के मिलाप से हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बना है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, वाटर। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग जो तीसरा सी पढ़ेंगे उसके हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन से प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, यानी कि वाटर जो है हमारे पास किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या क्या चीज़ें बनेंगे। इसके साथ साथ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, जो फोर्थ वन चीज़ है जो सी है उसका हम लोग पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के, हमारे पास एक केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, एग्जाम्पल दे दें केमिकल स्ट्रक्चर का, कि वाटर का स्ट्रक्चर कौन कैसा है। तो वाटर एक वी शेप कंपाउंड है हमारे पास कुछ इस तरह, इसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो इन चार चीज की मदद से हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं कि ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, ये किस चीज़ के हैं, हकीकत में ये मैटर के हैं, किस चीज़ के हैं, मैटर के। अच्छा, व्हाट इज मैटर, क्वेश्चन है। तो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी चीज़ें हैं सब्सटेंसेस है यूनिवर्स में, उसमें अगर दो प्रॉपर्टीज़ पाए जाए तो हम उसको मैटर का नाम देंगे। वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, एक उसका मैस हो, क्या चीज़ हो, मैस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मैस। तो पहले नंबर पर हम लोग क्या नाम देंगे, जिसका मैस हो, ठीक है, और दूसरे नंबर पर ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मैटर। अब हम लोगों ने क्या किया पढ़ा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग फोर सीज के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, उस केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर है उसका कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर उस कंपोजिशन के बाद में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये किन चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे, मैटर का। मैटर क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जिसका एक खास मैस हो और वो
स्पेस लेता हो, व्हाट स्पेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम लेता हो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मैटर को हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में कैसे डिवाइड किया है। मैटर स्टडी हम लोगों ने किया कि हर वो चीज़ जिसका एक मास हो और वो स्पेस रखती हो तो हम लोग मैटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग केमिस्ट्री का बुक खोलते हैं तो देखते हैं उसने मैटर को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप का नाम है सब्सटेंस, ठीक है, एक ग्रुप का नाम है, मैटर को डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप का नाम है सब्सटेंस, दूसरे नंबर ग्रुप का नाम है मिक्सचर, ठीक है। अब हम लोग मिक्सचर को आगे लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारे जितने भी फंडामेंटल्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो सब्सटेंस में पड़े हैं, तो मैटर को और मैटर में मिक्सचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि है क्या हमारे पास। देखो मैटर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बना होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, मिक्सचर, ठीक है। अच्छा जी, मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर हमारे पास डिफरेंट एटम आएंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर किया बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। अच्छा जी, मिक्सचर के बारे में अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मिक्सचर एंड मिक्सचर द एटम कंबाइंड फिजिकली और केमिकली, तो स्टूडेंट वहां पर गलत पिक कर लेते हैं कि एटम कंबाइंड फिजिकली, नो, एटम कंबाइंड केमिकली, कौन से, दे आर केमिकली कंबाइंड, कौन केमिकली कंबाइंड होते हैं, एटम्स, ठीक है। तो मिक्सचर किया है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिश्रण को हम लोग नाम देंगे मिक्सचर। अच्छा जी, अब मिक्सचर के हम लोग टाइप्स देखते हैं तो टू टाइप ऑफ मिक्सचर है, एक को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर नाम देते हैं, दूसरे को हम लोग नाम देते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटरोजीनियस मिक्सचर, नाम ही से जाहिर है होमो, द वर्ड होमो मींस सेम, वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास कंपोजिशन सेम हो, एटम सेम नहीं होंगे, सेम कंपोजिशन होगा मिक्सचर का, क्या होगा, सेम कंपोजिशन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे सेम कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्ट को ऐड किया वाटर को, तो हम लोग जब नमक को मिलाते हैं पानी में हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्सचर, और वो मिक्सचर कौन सा होगा, होमोजीनियस, क्यों, हम कैन नॉट सेपरेट, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, इसलिए हम लोग नाम देते हैं कि इसका कंपोजिशन सेम है, ठीक है। अच्छा जी, साल्ट को वाटर में ऐड किया, साल्ट का फार्मूला है NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हेटरोजीनियस मिक्सचर, तो हेटरोजीनियस मिक्सचर हमारे पास मिक्सचर का वो टाइप है जिसका कंपोजिशन सेम नहीं होता, मतलब डू नॉट कंटेन सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अच्छा जी, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हेटरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंकरियां पड़ी है और कंकरियों को हम लोगों ने किस में ऐड किया, वाटर में, पेबल्स आर, ये जो पेबल्स होते हैं या घर पे हम लोग सलाद बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जियां या डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी चीज़ें हैं सलाद में ना, हम लोग काट लेते हैं फिर उसको मिक्स करते हैं, तो हमारे पास कौन सा मिक्सचर बन जाता है, हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसके साथ हमारा मिक्सचर का पोर्शन ख़त्म हो गया, हम लोग आ जाते हैं सब्सटेंस पर। तो हमने मैटर का मिक्सचर वाला पोर्शन ख़त्म किया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस। तो सब्सटेंस मैटर का प्योर फॉर्म को हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया है टू कैटेगरीज में, ठीक है, एक को हम लोग नाम देंगे कंपाउंड, एक को हम लोग नाम देंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों सब्सटेंस है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अच्छा, अब एलिमेंट हमारे पास किस चीज से बना हुआ है, एटम का, एटम, व्हाट इज एटम, हम लोग स्टडी करते थे पहले, स्टूडेंट्स अक्सर अब भी परेशान रहते हैं कि एटम है क्या,
तो एटम कुछ भी इसमें परेशानी की बात नहीं है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। अच्छा, ये अब ये पहले कंसेप्ट था, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यह था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि नहीं, एटम डिविजिबल पार्ट है एलिमेंट का। तो हम लोग जब एटम को डिवाइड कर लेते हैं या एटम में अंदर घुस के देखते हैं तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग इट एटम। एटम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग इसके बेसिकली लेते हैं तीन टाइप ऑफ, जिसमें पहले नंबर पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये कौन है, एटम का एक पार्टिकल है। दूसरे नंबर पर हम लोग लेते हैं प्रोटॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, ये भी एटम का एक पार्टिकल है। तीसरे नंबर पर हम लोग लेते हैं न्यूट्रॉन, ये भी एटम का एक पार्टिकल है। अच्छा, ये तीनों एटम के सब पार्टिकल कहलाएंगे, एलिमेंट फिर एटम, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एटम लेते हैं, यह है हमारे पास एक एटम, ये इस एटम का न्यूक्लियस कहलाएगा, व्हाट इज न्यूक्लियस, मरकज़ा, ठीक है। अब इस एटम के न्यूक्लियस में टू पार्टिकल्स होंगे या टू से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम ये बेसिक टू पार्टिकल्स लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को मैंने पी से डिनोट किया और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा जी, अब इस एटम के इर्द गिर्द इस तरीके से शेल्स होते हैं, इस शेल्स में कौन होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, पहले में दो, दूसरे में चार या छः, आठ, जितने भी हो। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कौन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन किया है हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमारे पास मास नंबर, मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास आर मास नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा जी, हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, और ए बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा जी, अब व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी नाम देते हैं। और व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। तो हमारे मास, एटॉमिक मास का फार्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बना एटॉमिक मास का। आपको अगर कोई क्वेश्चन मिले कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये एक और फार्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन दे रहे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला है एटॉमिक मास के फाइंड आउट करने के, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ये, अब मास ऑफ एन एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, एटम हम दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसका मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक मास द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता था यहाँ पर कि यार हम एटॉमिक मास को किस चीज़ से रिलेट करें, जैसा कि हमारे पास डजन में 12 टाइप ऑफ सेम चीज़ें होती है, किलो में किलो के मकदार की बराबर क्वान्टिटी होती है, तो एटॉमिक मास को हम लोग किस चीज़ से रिलेट करें। तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। और क्वेश्चन इसके ऊपर जो एमसीक्यूज आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास,
कौन सा अक्सर यह आता है? फ्रिक्शनल एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि द मास ऑफ एन एटम रिलेटेड टू कार्बन 12 आइसोटोप। हम जो भी एटम ले लें, उसको कंपेयर करें। ठीक है, क्या एटम का ले लें? मास किसके साथ कंपेयर करें? कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। ठीक है, मास ऑफ एन एटम व्हेन कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर लेते हैं? तो इसके जो फार्मूला है वो है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ए एम यू। व्हाट इज ए एम यू? यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद आता है हमारे पास मोल। हम लोग मोल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एम से। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज मोल? हम लोग मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस करें किस चीज में? इन ग्राम्स। तो हम लोग क्या नाम उसको देंगे? मोल। मोल क्या है? मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। ठीक है, मोल के डिफरेंट फार्मूलेस हैं कि मोल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोल का एक फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का हमारे पास एक और फार्मूला है कि मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू है 6.023 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये है हमारे पास मोल। इसके बाद हमारे पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आता है। हमने इस मोल में देखा वर्ड आते थे कि मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास। इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं और इसके साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह आज का ख़त्म हो जाएंगे। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। इसका फार्मूला है C6H12O6। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप स्टूडेंट्स वन पॉइंट माइंड में रख दे कि हमारे पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूल में देखेंगे और ग्लूकोज में देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स है, तो कार्बन के 6 एटम्स है हमारे पास। इसको हम लोगों ने किस में मल्टीप्लाइड देना है? कार्बन के एटॉमिक नंबर को, जो कि है हमारे पास 12। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन के हम लोग देखेंगे कि कितने एटम्स है, 12 है। इसको हम लोग इसके मास में ज़रब देंगे, मल्टीप्लाइड देंगे, प्लस ऑक्सीजन के 6 है और इसको हम लोग किस चीज़ में मल्टीप्लाइड देंगे? इसमें। और इससे हमारे पास आ जाएगा 180 AMU। ठीक है, AMU भी लिख सकते हैं, 180 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला मास। तो हम लोग हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला मास। जैसा कि हमारे पास है NaCl और NaCl का हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे इसका आ जाएगा 57.5 AMU। तो ये थी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में।
हम लोगों ने किया पढ़ा। आज हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि हम लोग फोर सीज पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने इसमें देखा कि डिवीजन कैसे किया है मैटर का। फिर हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस, फिर हम लोगों ने एटम, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोल एंड मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स तैयारी करनी है तो FSC के फेडरल बोर्ड से तैयारी करनी है। इसके अलावा आप लोगों को फ्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को फास्ट पेपर भी मिल जाएंगे, और जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, तो काइंडली एक मरतबा इसको बुक में रीड कीजिएगा, हमारे साथ जाइए। वसलम।